को पानी के अंदर डूब के दिखाएंगे पानी के अंदर। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं आज आपको एक हिडन प्लेस दिखाने वाला हूं, जो कि बहुत ही कम लोगों ने देखी होगी। ये वो है एक वाटरफॉल जो ढकाने में, नैनीताल से अगर आप नीचे जाओगे ना अल्मोड़ा के साइड को, तो नीचे आते हुए 40 किलोमीटर बाद एक जगह आएगी ढकाने के नाम से। वहाँ पे बहुत ही सुंदर एक वाटरफॉल है, मैं वो आज एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। ये मेरे ख्याल से किसी ने ये जगह दिखाई भी नहीं है। अगर किसी ने दिखाई है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि कौन सी वीडियो में आपने देखी है। ठीक है, तो सीधा चलते हैं अब उस वाटरफॉल पे। और यार, ये रास्ता थोड़ा ऑफ रोड ही है पूरा, गाड़ी हमारी थोड़ी ऊपर तक है, हमें 200 मीटर पैदल चलना पड़ रहा है। इसके लिए रास्ता दिखाया था आपको, ये रास्ता ऐसा है कुछ। आपको शायद पानी की आवाज़ भी आने लगी होगी। अभी बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है, चलो देखते हैं और आपको दिखाता हूँ मैं। अभी शाम का टाइम है, 5 बजने वाले हैं। यहाँ देखें पूरा अंधेरा, पहाड़ों में अंधेरा थोड़ा जल्दी होता ना। नो स्विमिंग। और यहाँ वार्निंग पहले आ चुकी है कि नो स्विमिंग, क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज है। यहाँ देखिए इसमें लिखा है, सभी पर्यटकों से अनुरोध है कि कृपया पूल में स्विमिंग ना करें, झरने के नीचे ना जाएं, अचानक बारिश के मलबा आ सकता है। तो यहाँ पे डर है, इन्होंने पहले वार्निंग दे दी है कि भाई यहाँ पे ना स्विमिंग करें ना झरने नीचे जाएं। तो देखते हैं अब क्या होता आगे। और रास्ता कुछ ऐसा है, हमने वो नीचे जाना है। तो दोस्तों, वो झरना देखने के लिए तैयार हो जाइए, बहुत खूबसूरत झरना। मैंने अपनी लाइफ में इससे अच्छा झरना मैं देखा नहीं कभी। आप देखना मेरे पीछे, ये वो झरना। तो नज़दीक चलते हैं और कोशिश करते हैं नहाने नहाने की। ये देखिए, ये वो झरना। कमेंट करके बताना कैसा है, कैसा लगा आपको ये झरना। पानी देखने के लिए साफ है यहाँ पे। तो गाइस, पहले नहाने से पहले हम पहले जाएंगे मंदिर। वहाँ पे कोई मंदिर ऐसा कुछ नज़र आ रहा है, ऊपर वो गुफा टाइप की है, वहाँ जाके चेक करते हैं वहाँ पे क्या है। अभी हाँ, मैंने किसी से पूछा तो किसी ने बताया ये मंदिर है यहाँ पे। तो वहाँ जाके देखते हैं कि कैसा मंदिर है वो और क्या है इस मंदिर में। ये रास्ता कुछ ऐसा है, खतरनाक रास्ता है थोड़ा। और शाम का टाइम है, ये है मंदिर। ये पेड़ की जड़ ऐसी लग रही है कुछ सांप हो। सब्जी दुकान है, कौन सी दुकान है? वही गाँव के होंगे। अभी हम चप्पलों को साथ उतार के पहले मथा देखते हैं, देखते हैं कौन से भगवान रहते हैं। है मंदिर कुछ भी नहीं आता, अपने शूज उतार लेते पहले हम। भगवान है भाई। तो आपको दिखाता हूँ कि कौन से भगवान का मंदिर है, देखते वाले मेरे यहाँ। यहाँ थोड़ा अंधेरा है, ये गणेश भगवान का मंदिर है। तो गणेश जी के आशीर्वाद लेके आगे बढ़ेगी। तो गाइस,
पानी की आज शायद आपको ना पानी की वजह से ना मेरी आवाज़ नहीं आएगी आपको, थोड़ी कम आएगी। और आप देखा तो पानी ज़्यादा कह रहे हैं, गहरा तो जैसे है नहीं इतना और ठंडा बहुत है। देखिए आप पानी का अंदर का दिखाता हूँ, अंदर का व्यू कैसा है। यहाँ बहुत डर भी बहुत लग रहा है। पानी के अंदर ही दिखाता हूँ आपको कैसा पानी। तो गाइस मस्त सुनाद हो गए हम, अब जा रहे हैं अपने नैनीताल की ओर। देखो 6 बज चुके हैं और नैनीताल का डिस्टेंस यहाँ से 50 किलोमीटर और है। देखिए यहाँ कितने लोग और आ चुके हैं और रास्ता चढ़ाया वाला है ऐसे ही। यहाँ से हम जाएंगे और यहाँ से ऊपर वहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है। इसकी बहुत ज़्यादा मज़ा आया है, इतना मज़ा शायद मुझे कभी आया हो। बस अपना जाने का मन नहीं कर रहा था वापस, बट क्या करें जाना पड़ेगा क्योंकि रात की रात हो चुकी है। अब कहाँ से है हमें पहाड़ी चढ़ने की आयत नहीं है। कभी कभी हम आते पहाड़ में 6 महीने बाद यहाँ मना किया गया था कि यहाँ पे नहाना नहीं है, हम फिर नहा लिए। यहाँ पीना भी मना है पर लोग पीते भी हैं। हाँ यार यहाँ लिखा है कि दारू पीना मना है पर वहाँ पे बोतलें इतनी पड़ी है ना वहाँ पे देश साहब, जो चीज़ गलत है। चलो मिलता है अपनी गाड़ी के पास मिलूँगा क्योंकि अभी जो चढ़ाई चढ़ रहे हैं बारिश भी हल्की हल्की शुरू हो चुकी है। ठीक है तो अभी हम पहुंच चुके हैं अपनी गाड़ी के पास थके आ रहे। हमें अभी जो इसलिए निकलना पड़ रहा है जल्दी जल्दी भी क्या है, शाम के 6:15 हो चुके हैं और हमें ठिकाना ढूंढना है। अभी होटल ढूंढेंगे नैनीताल में जाकर, नैनीताल यहाँ से गालियाँ दे रहे थे। यहाँ से नैनीताल की दूरी है 50 किलोमीटर, कम से कम 1.5 घंटे का रास्ता और है। तो वहाँ से क्या हमें रूम भी ढूंढना है, इसलिए आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय, हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग पर।